हेडलाइंस। पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी सांसदों ने चीनी दूरसंचार कंपनियों को देश में 5G परीक्षण करने की अनुमति नहीं देने के भारत के फैसले की सराहना की। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष श्री एंटोनी ब्लिंकन से की मुलाकात। कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत की मदद के लिए कहा शुक्रिया। राष्ट्रीय खबरें। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत लगातार बढ़ा रहा ऑक्सीजन का उत्पादन। वर्तमान में भारत में प्रतिदिन 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें से वर्तमान में 6,600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चिकित्सीय उपयोग के लिए राज्यों को आवंटित किया जा रहा है। प्रादेशिक खबरें। छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, सभी राशन कार्ड धारकों को लगेगी वैक्सीन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने टीकाकरण के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब पहले आओ पहले पाओ की नीति लागू होगी। जहां एक ओर पूरा देश महामारी से लड़ने में लगा है, वहीं दूसरी ओर रायगढ़ बड़े रामपुर स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल बच्चों को इस डर व तनाव से दूर रखने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसके लिए स्कूल तरह तरह के आयोजनों में बच्चों को व्यस्त रखने का प्रयास कर रहा है तथा गर्मी की छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए तरह तरह की कार्यशाला का आयोजन भी कर रहा है। जो आयोजन 3 से 7 मई तक चलाया गया, जहां शिक्षकों ने फायरलेस कुकिंग गतिविधि के माध्यम से बच्चों को स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सिखाया, जिसमें बच्चों ने बड़े ही उत्साह पूर्वक भाग लिया। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में पर्यावरण संरक्षण पर एक वेबिनार का आयोजन भी किया गया। जानो अपनी प्लास्टिक को वेबिनार में बच्चों को प्लास्टिक के अच्छे व बुरे अंतर को समझाया गया। कोरोना काल में कैसे प्लास्टिक ने हमें इस महामारी से बचाया, कैसे हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बना और कैसे हम इसका दुरुपयोग करते हैं, यही चर्चा का विषय रहा। विद्यालय की प्राचार्य कैप्टन श्वेता सिंह ने 2 मई शनिवार को ऑनलाइन मीटिंग रख अभिभावकों से बच्चों के बेहतर भविष्य पर बातचीत की तथा विद्यालय में चल रही तथा होने वाली गतिविधियों पर चर्चा की। विद्यालय की प्राचार्य कैप्टन श्वेता सिंह समय समय पर अभिभावकों के बीच उपस्थित होती रही हैं। नई नई खबरों के लिए जुड़े रहिए DWPS न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।